आरपीडी नेता डीपी यादव ने मुलायम पर साधा निशाना, बोले मुझे मुकदमों में फंसाने और जेल भेजकर प्रताड़ित करने वाले आज नहीं है सत्ता में। विधानसभा चुनाव के लिए यूपी की कुछ विशेष सीटों पर है नजर। उत्तर प्रदेश के संभल में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे आरपीडी नेता डीपी यादव ने कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता के दौरान डीपी यादव ने विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बताई, तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव पर भी निशाना साधा है। आरपीडी नेता डीपी यादव ने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश पर नजर है, लेकिन विशेष तौर पर नजर उत्तर प्रदेश की कुछ खास सीटों पर नजर है। फिलहाल हमारा प्रयास है कि अच्छे नौजवानों को लेकर हम मैदान में उतरें। आने वाले दिनों में जिसके साथ भी गठबंधन की रूपरेखा तैयार होगी उसकी जानकारी दी जाएगी। निश्चित तौर से राजनीतिक लोगों में तो राजनीतिक सक्रियता तो रहेगी, वो चल रहा है, पूरे प्रदेश पर नज़र है और नज़र है विशेषकर कुछ खास सीटों पर। वैसे अभी मैं इस रूप में ये नहीं कह सकता कि मेरी बातचीत कुछ दलों से, कुछ बड़े कुछ छोटे दलों से चल रही है। अब चूंकि एक रिवाज चल निकला है, बड़ी से बड़ी पार्टी भी छोटे दलों से मिलकर के चुनाव लड़ना चाहती, तो हम लोग भी इस कोशिश में हैं कि किसी गठबंधन के आधार पर चुनाव, हमारे पास वक्त वैसे भी कम है, अभी अभी एक मुसीबत से पीछा छुटा है। माननीय न्यायालय का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस मुसीबत के टाइम में एक ऐसा न्याय देने का काम किया कि जिसकी बहुत दिनों से अपेक्षा थी क्षेत्र की जनता को, लोगों को, खुद मुझे भी, क्योंकि जिस अपराध को मेरे सर पे उठा दिया गया था मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं तो सिर्फ राजनीतिक शिकार हुआ उस कॉन्स्पिरेसी का, एक झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ लगा कर, और पहले भी लगते रहे, कोई पहली बात नहीं है। आपके यहाँ से मैं मुलायम सिंह जी के खिलाफ उम्मीदवार था, उस दौरान मुझे प्रताड़ित करने का काम किया गया, जेलों में बंद करने का काम किया गया, मुकदमे बनाने का काम किया, सारी दुनिया जानती। तो कुल मिला के वो कॉन्स्पिरेसी तो आज भी चल रही है, लेकिन अब इतनी राहत है कि अब वो लोग सरकार में नहीं थे, नहीं हैं जो तब थे, भाई इतना फर्क है। तो ज़रूर हमारा ये प्रयास है कि अच्छे नौजवान उम्मीदवारों को लेकर और हम लोग मैदान में उतरें, या हमारा गठबंधन, पार्टी का गठबंधन जिसका अधिकार मुझको पार्टी ने दिया है सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनकर राष्ट्रीय परिवर्तन दल का, हम अपने साथियों को लेकर के मैदान में आएँ, उन्हें अच्छे रूप में चुनाव लड़ाएँ, तो पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया को हमारे साथी जो है उस प्रक्रिया को बना लें। आगे आने वाले दिनों में जिसके साथ भी हमारा रुख तैयार होगा आप लोगों को जरूर बताएं। और